तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग डेन नाम के एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि अपने कलीग नेम के कुछ पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था। फिर हम लोग डेन को उसके प्रोफेसर एम के पास में देखते हैं जो कि अपने क्लिक की हुई पिक्चर्स को उसे दिखा रहा था, जिसे देखने के बाद में एम उसे कहता है कि जैसे पिक्चर्स तुमने क्लिक की है वो कोई भी नॉर्मल पर्सन क्लिक कर सकता है, और अगर तुम्हें एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो तुम्हें कुछ अच्छे पिक्चर्स को क्लिक करना सीखना होगा। इसके बाद में वो डेन को खुद के लिए एक सब्जेक्ट चूज करने को बोलता है और उसी सब्जेक्ट के बेसिस पर कुछ अच्छे पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए कहता है और उसे 14 दिन का टाइम देता है ताकि वो अपना अगला प्रोजेक्ट शो कर सके। फिर अब डेन अपने फ्रेंड नेम के पास में जाता है और यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग डेन को रूफ टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं और जब वो वहाँ से नीचे जा रहा होता है तभी वहाँ पर नेम के साथ में डेन का एक और फ्रेंड जिसका नाम ग्रेट था, वो दोनों वहाँ पर डेन को सरप्राइज देने आते हैं क्योंकि आज डेन का बर्थडे था। वे लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और डेन के बर्थडे को मेमोरियल बनाने के लिए कुछ खूबसूरत सी फोटोज़ को भी क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि डेन के सभी फ्रेंड्स ने अपने ऑनर्स की डिग्री कम्प्लीट कर ली होती है जिसके बदले में उन्हें न्यूयॉर्क की ट्रिप में जाने का मौका मिलता है, लेकिन डेन की डिग्री अभी कम्प्लीट नहीं थी जिस वजह से वो सभी अपने ट्रिप को कैंसिल करने का सोचते हैं। लेकिन डेन उन्हें बताता है कि उनके प्रोफेसर एम ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया है और अगर वो उस प्रोजेक्ट को सही से कंप्लीट करके उन्हें सबमिट करता है तो उसकी ऑनर्स की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो उन सभी लोगों के साथ में न्यूयॉर्क के ट्रिप पर जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेन को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब है और कल उनका बर्थडे भी है और हम दोनों को उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जाना होगा। डेन यहाँ पर अपनी मॉम को बताता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिस वजह से वो नहीं आ सकता है, लेकिन डेन की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत बीमार है और हम नहीं जानते कि वो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसीलिए उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सुनने के बाद में डेन अपनी मॉम की बात मान जाता है और फिर हम लोग डेन को प्रोफेसर एम के घर पर देख पाते हैं जहाँ पर एम की पर्सनल असिस्टेंट उनका वेलकम करती है और उसे प्रोफेसर के रूम तक ले जाती है। डेन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग को लगा हुआ देखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर एम डेन को बताता है कि इस पेंटिंग को वो न्यूयॉर्क सिटी एग्जीबिशन में लगाने वाला है। डेन एम को अपने प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट के बारे में बताता है जो कि उन लोगों का था जो अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो अपने पैशन को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। एम उसे बताता है कि तुम्हारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और डेन को गुड लक बोलते हुए पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल कैमरा देते हैं और बताते हैं कि उसने भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को इसी कैमरा से पूरा किया था। इसके बाद में डेन उस कैमरा को लेकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग डेन को एक डिजेबल लोगों की रेस में देखते हैं जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ फोटोज को क्लिक करने आया था। वहाँ पर वो एक रेसर जिसका नाम बैम होता है उसे देखता है और उसकी फोटोज़ क्लिक करने में लग जाता है। फोटोज़ लेते टाइम उसे थोड़ा वियर्ड फील होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम लोग डेन और नेम को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ग्रेट को उन दोनों का रिलेशनशिप में होना अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके बाद में हम ग्रेट को एक स्टोन की शॉप में देखते हैं और उसके ऑनर का नाम रोज होता है। ग्रेट उसे एक स्टोन के बारे में पूछता है, उसके जवाब में रोज उसे बताता है कि ये एलाइट स्टोन है जो कि रशिया का है और वेस्ट के लोग उस स्टोन का यूज डेमन की सोल को कैप्चर करने के लिए करते हैं। फिर रोज ग्रेट को एक स्पेशल ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और इसके बाद में हम लोग ग्रेट और नेम को कार में देखते हैं जहाँ पर ग्रेट नेम से कहता है कि वो उसे अभी भी लाइक करता है, लेकिन नेम उसे समझाती है कि अब उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अब ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। इसी के बाद में ग्रेट उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिसे नेम अपने पास में रख लेती है। फिर हम लोग बैम को देखते हैं जिसका कोच उसे और मेहनत करने के लिए बोल रहा था क्योंकि आज की रेस में वो पीछे रह गया था। और दूसरी तरफ हम लोग डेन को भी देख पाते हैं जहाँ पर वो बैम की फ़ोटो को डेवलप करवा रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि बैम को विजन आना शुरू हो जाते हैं और मिरर में अपने क्लोन को स्माइल करते हुए देखता है। इसे देख कर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही डेन बैम की फ़ोटो डेवलप करवा रहा था तभी हम देखते हैं कि बैम की डेथ हो गई है और किसी ने उसको उसी के मेडल से फांसी दे दी थी। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में डेन को देखते हैं जो कि एक पुअर बेगर की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था और वो अपनी सभी फ़ोटोज़ को ले जाकर अपने प्रोफेसर एम को ले जाकर दिखा देता है, जिसे देखने के बाद में
एम उसके फोटोज़ की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने अपनी फोटोज़ में रियलिटी को देखने की कोशिश की है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। और वो उसे ऐसी और भी फ़ोटोज़ खींचने का बोलता है और फिर डैन और अच्छी फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डैन और नेम को एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट में देख पाते हैं जहाँ पर डैन उस रेस्टोरेंट के वर्कर की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। तभी उसे अपने कैमरा में एक स्पिरिट दिखाई देती है लेकिन वो इस बार इसे इग्नोर कर देता है और फोटोज़ को क्लिक करता है। यहाँ पर नेम उसके कैमरा को देखकर कहती है कि ये कैमरा तो जेन नाम की एक लड़की का था और ये कैमरा तुम्हारे पास में कैसे आया है। इसके जवाब में डैन उसे बताता है कि ये कैमरा उसके प्रोफेसर एम ने उसे दिया है ताकि इस कैमरा से वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। फिर हम लोग ग्रेट को डैन से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर ग्रेट उसे बताता है कि वो एथलीट जिसकी पिक्चर डैन ने क्लिक की थी उसने सुसाइड कर लिया है और उसके सुसाइड करने में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी कि वो एक डिसेबल था और इतने ऊपर वो पंखे तक कैसे पहुँचा। उसे सुनकर नेम कन्फ्यूज हो जाती है और वो उस कैमरा के पुराने ओनर जेन के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है जहाँ पर उसे जेन की फ्रेंड का नंबर मिलता है जिसका नाम रिन था और नेम उसे कॉल करके मिलने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डैन को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ पर वो अपने अंकल से मिलने के लिए आया था लेकिन उसके अंकल का बिहेवियर उसके लिए सही नहीं था और उसे देखकर डैन की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर हम डैन के अंकल को अपने बर्थडे केक की कैंडल को बुझाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो डैन को कुछ पिक्चर्स को क्लिक करने को बोलते हैं और डैन उसी कैमरा को निकाल कर फोटोज़ को क्लिक करने लगता है लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी मॉम यहाँ पर नहीं है जिन्हें लेने के लिए वो बाहर आता है जहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची को पियानो बजाते हुए देखता है जिसकी फ़ोटोज़ खींचने के लिए वो अपने कैमरा को निकालता है और उसको अपने कैमरा में ही उसी रेस्टोरेंट के वर्कर की स्पिरिट दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ डैन का एक बुरा सपना था। उसके बाद डैन उठ जाता है और वो अपने रूम के विंडोज़ के पास एक ब्लैक स्पिरिट को देखता है। फिर डैन शीशे में खुद को देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथों की स्किन निकलने लगी है और इसके बाद में डैन और भी ज़्यादा डर गया था। अब हम लोग नेम को देखते हैं जो कि बेम के केस को समझने के लिए उसके कोच के पास में आई हुई थी जहाँ पर बेम का कोच नेम को बताता है कि बेम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पोर्ट पर्सन था और मुझे इतना यकीन है कि वो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। फिर हम लोग दोबारा से डैन को देखते हैं जो कि सो रहा था और वो फिर से एक बुरा सपना देखता है जिसमें वो उन्हीं रेस्टोरेंट वर्कर को देखता है जहाँ पर वो लेडी अपने ही हस्बैंड को चाकू से बार बार स्टेप करके बहुत बुरी तरीके से मार डालती है। जब वो उसका मर्डर करके वहाँ से जा रही होती है तभी उसके हस्बैंड को होश आ जाता है और वो उसके पैर पर चाकू से अटैक कर देता है। फिर वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। डैन अपने ड्रीम से बाहर आता है और अपने सामने उसी कैमरा को देखता है। फिर वो उस कैमरा को लेकर अपने प्रोफेसर के पास में जाता है और उसे बताता है कि इस कैमरा में कुछ गड़बड़ है क्योंकि जितने भी लोगों की फ़ोटोज़ उसने इस कैमरा से क्लिक की थी वे सभी एक एक करके मरते जा रहे थे। ये सुनकर डैन का प्रोफेसर उसे बताता है कि एक दिन सभी की डेथ होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है और वो उसे बस अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देने का बोलता है जिसके बाद में डैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग नेम को देख पाते हैं जो कि डैन को उस कैमरा को यूज़ करने के लिए मना करती है लेकिन डैन उस पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नेम को उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर इसके बाद में वो रिन से मिलना जाता है जहाँ पर रिन उसे जेन की एक नोटबुक देती है और नेम को बताती है कि जब से उसकी फ्रेंड को वो कैमरा मिला है तब से उसके नेचर में बहुत चेंज आ गया है और वो उस कैमरा से बहुत ही बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गई थी। जब से उसकी फ्रेंड को वो कैमरा मिला था तब से उसके नेचर में बहुत ही बड़ा चेंज आ गया था और वो उस कैमरा से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो गई थी और उसके बाद उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। जिसे सुनकर नेम को डैन के बिहेवियर के बारे में भी ध्यान में आता है। रिन उसे यह भी बताती है कि जेन की स्किन भी धीरे धीरे सड़ने लगी थी जिस तरीके से डैन की स्किन सड़ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग ग्रेट और डैन को देखते हैं जो कि एक फ़ोटोशूट में आए हुए थे जहाँ पर ग्रेट उसे तीन फेमस और रिच लोग दिखाता है जिनका नाम मिनी, पॉर्च और टैन था। दूसरी तरफ हम लोग नेम को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उन रेस्टोरेंट वर्कर की भी डेथ हो गई थी जिनकी फ़ोटोज़ डैन ने अपने कैमरा से खींची थी और इसे बताने के लिए वो डैन को कॉल करती है लेकिन डैन का कॉल नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद में वो ग्रेट को कॉल करती है
और उसे डैन के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि डैन अभी भी अपने शूट को पूरा करने के लिए निकल गया है। नेम उसे पूछती है कि वो कौन सा कैमरा यूज कर रहा है, जिसके जवाब में ग्रेट उसे बताता है कि वही वाला जो कि प्रोफेसर ने उसे दिया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग ग्रेट और नेम को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर नेम उसे बताती है कि डैन ने अपने कैमरा से जिन भी लोगों की फोटो खींची थी वे सभी मारे जा चुके हैं। डैन के कैमरा में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। इसे सुनने के बाद में ग्रेट नेम को बताता है कि उन तीन पॉपुलर लोगों की फोटोज भी उसी कैमरा से खींची गई थी, जिसके बाद में वे दोनों मिनी पॉज और टेन की जान बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम लोग उन तीनों को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में थे। वो लोग अपने काम से ब्रेक लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर भी कोई स्पिरिट अटैक कर देती है। इसके बाद में हम लोग उन तीनों को अपार्टमेंट की रूफ पर देखते हैं, जो कि किसी इविल पावर से पजस थे। उर्मिनी अपने फोन के कैमरे में देखते हुए उन तीन लोगों के साथ में वहां से अपनी जान दे देती है। इन तीनों की मौत के बाद में ग्रेट और नेम वहां पर पहुंचते हैं और ये सब देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और इन सब एक्सीडेंट के बारे में बात करने के लिए वे दोनों डैन के पास में जाते हैं, जहां पर वो उसे बताते हैं कि तुमसे पहले जेन नाम की एक लड़की ने इस कैमरा को यूज किया था और उसने भी जिन भी लोगों की फोटो खींची थी उन सभी की डेथ हो गई थी। लेकिन डैन उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद में नेम डैन के साथ में प्रोफेसर एम के घर में जाती है ताकि वो उनसे बात कर सके। वो उन्हें बताती है कि ये कैमरा कस्ड है और जितने भी लोगों की फोटोज इस कैमरा से क्लिक हुई है वे सभी मारे जा चुके हैं। इसके जवाब में एम उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसकी फोटो खींचे। जब नेम प्रोफेसर की फोटो को खींचने के लिए जाती है तभी वो प्रोफेसर के पीछे लगी हुई पेंडिंग को मूव करता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो उस कैमरे को फेंकने के लिए जाती है, लेकिन डैन उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर हम लोग डैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई इविल एंटिटी कंट्रोल कर रही थी। डैन सुसाइड करना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की का मैसेज आता है जो कि उसे फोटोशूट करवाना चाहती थी, और वो डैन से फोटोशूट का चार्ज पूछती है, लेकिन डैन उसे कहता है कि तुम्हारा शूट मैं फ्री में कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग डैन को उसके स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर वो उसी लड़की का फोटोशूट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर नेम आ जाती है और वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और वो डैन से उसका फोटोशूट करने के लिए बोलती है। ये वही मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डैन नेम की फोटो उस कैमरा से खींचना नहीं चाहता है, पर कोई इविल पावर उसे बटन प्रेस करने के लिए फोर्स कर रही थी। इसके बाद में डैन डिप्रेस्ड होकर उस कैमरा को गिरा देता है, फिर वो रोने लगता है। उसके फ्रेंड उसे हिम्मत रखने का बोलते हैं और फिर हम लोग उन सभी को साथ में देखते हैं, जहां पर डैन को वही भिखारी दिखाई देता है जिसकी फोटो उसने क्लिक की थी, और वो नेम और ग्रेट को बताता है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। फिर अब वे सभी डैन की पुरानी खींची हुई फोटोज को देखने जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि दो लोग अभी भी जिंदा है जिनकी फोटो डैन ने खींची थी, और उन फोटो को ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वे दोनों ही फोटो खींचने के दौरान कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे और इस वजह से उन लोगों की जान नहीं गई थी। अब हम उन सभी को उसी स्टोन की शॉप पर देखते हैं, जहां पर वो सारी प्रॉब्लम रोज को समझाते हैं। रोज उन्हें बताता है कि कुछ स्पेशल कैमरा ऐसे भी होते हैं जो कि इंसान के सोल को कैप्चर करते हैं और उन सोल को डेमन को सेक्रीफाइस किया जाता है। यहाँ पर वे लोग रोज के पास में वही पेंटिंग देखते हैं जैसा कि उन्होंने प्रोफेसर एम के घर पर लगी हुई देखी थी। इसके बारे में रोज उन्हें बताता है कि ये पेंटिंग जिस किसी के पास भी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे 7 इंसानी सोल को कैमरा में कैप्चर करके सेक्रीफाइस करना होता है, और इसीलिए एम ने डैन को ये कैमरा दिया था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे खुद के सोल को सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ पर रोज उन्हें यह भी बताता है कि कल हेल का दरवाजा खुलेगा और उसी दिन वो डेमन अपने सेक्रीफाइस को लेने आएगा, और उनकी सेफ्टी के लिए रोज उन्हें एक ब्रेसलेट देता है और वो बताता है कि इस स्टोन को संभाल कर रखना क्योंकि ये डेमन की सोल को अपने अंदर कैप्चर कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग प्रोफेसर एम को उसके एग्जीबिशन में देखते हैं, जहाँ पर डैन भी होता है और वो एम की फोटोज उसी कैमरा से क्लिक करना चाहता था, और उसकी हेल्प करने के लिए ग्रेट प्रोफेसर एम को कैमरा की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है, और वे लोग उसकी फोटो क्लिक करके वहां से चले आते हैं। जब वो उस फोटो को डेवलप कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि उस फोटो में प्रोफेसर एम की आंखें बंद थी और ग्रेट मिरर के रिफ्लेक्शन से सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। इसका मतलब ये था कि अब ग्रेट की मौत होगी, और फिर ग्रेट को एक क्रिएचर दिखाई देता है जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है, लेकिन तभी डैन उसके हाथों में रोज का दिया हुआ ब्रेसलेट बांध देता है।
अब फिर ग्रेट नॉर्मल हो जाता है। फिर हम लोग डैन को उसी पेंटिंग के आगे देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ़ोटो को क्लिक करा होता है। तभी वहाँ पर एम आ जाता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बस एक पर्सन की फ़ोटो क्लिक करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डैन प्रोफेसर एम के फ़ोटो क्लिक करने लगा था और एम कैमरा की तरफ सीधा नहीं देखता है। पर यहाँ पर डैन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है और सामने लगे हुए मिरर के रिफ्लेक्शन में एम की फ़ोटो क्लिक कर लेता है जिसमें वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा होता है। अब फिर वो फ़ोटो को डेवलप करने के लिए वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे बड़ा राज पता चलता है कि वो डेमन और कोई नहीं बल्कि वो प्रोफेसर एम ही है और उसके साथ में उसकी असिस्टेंट भी शामिल थी। अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो कि उस कैमरा में फ़ोटो क्लिक करने की वजह से मारे गए थे उन सभी की सोल ग्रेट नेम और डैन के सामने आ जाती है जिनसे लड़ने के लिए डैन आगे बढ़ता है और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर हम लोग ग्रेट और डैन को देखते हैं जिनके पीछे एम की असिस्टेंट पड़ जाती है और उन पर अटैक कर देती है जिस वजह से ग्रेट के हाथों में बंधा हुआ ब्रेसलेट खुल जाता है और उसके ऊपर इविल पावर हावी हो जाती है और इसके कारण वो नेम का गला दबाकर उसे मारने भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्टोन जो कि रोज ने उसे दिया था वो उन सभी इविल सोल को अपने अंदर खींच लेता है और उन सभी की जान बच जाती है। लेकिन तभी डैन के पीछे एक दूसरा क्रिएचर पड़ जाता है और तभी वहाँ पर एम आ जाता है जो कि डैन से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ लेकिन बदले में तुम मुझे वो फिल्म दे दो। लेकिन डैन वहाँ से भाग जाता है और एक बार फिर एम उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि उसे बस एक और इंसान की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर डैन उसे कहता है कि वो आखिरी इंसान मैं खुद हूँगा और इतना बोलते हुए वो इस क्रिएचर के मुँह में कूद जाता है। फिर हम लोग डैन को एक अंधेरी जगह में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर एम भी आ जाता है और वो उसे वो फिल्म मांगने लग जाता है। वो डैन को हेलुसिनेट करवाता है जिसमें डैन ग्रेट नेम और अपनी मदर को अपने सामने देखता है जो उसे इमोशनल कर देते हैं। फिर नेम उसे उस फोटो की फिल्म ले लेती है लेकिन यहाँ पर हमें एक और सीक्रेट पता चलता है कि रियल में डैन ने उस फिल्म को बहुत ही पहले ही नेम को दे दी थी जिसने उस फोटो को डेवलप भी कर लिया था। तभी हम प्रोफेसर एम को देखते हैं जो कि फ़ोटो डेवलप होने की वजह से मर जाता है और उसी फ़ोटो के अंदर चला जाता है जिसमें हेल का डोर था। फिर हम लोग रियल की दुनिया में आते हैं जहाँ पर डैन बेहोश पड़ा हुआ था और उसे नेम होश में लाने की कोशिश कर रही थी। फिर बहुत ही देर तक ट्राई करने के बाद में जब डैन को होश नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि डैन मर चुका है। यहाँ पर हम उन लोगों की पुरानी मेमोरीज को भी देख पाते हैं जहाँ पर डैन उन्हें बताता है कि मैं अपना प्रोफेशन को एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा और तभी अचानक से हम ये देखते हैं कि डैन को होश आ जाता है। मूवी के एंड में हम लोग उस कैमरा को ग्रेट को यूज़ करता हुआ देखते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने ऐसे कस्ट कैमरा को देखा जिसमें अगर किसी भी इंसान की फ़ोटो क्लिक की जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। असल में एक स्पेशल कैमरा होता है जिससे कि फ़ोटो क्लिक करने से उस इंसान की फ़ोटो डेमन को ऑफर हो जाती है और डेमन प्रोफेसर एम ही था। प्रोफेसर एम अपने स्टूडेंट डैन को एक कैमरा गिफ्ट करता है क्योंकि उसे सात इंसानी सोल चाहिए थी जिसे वो अपने साथ में हेल में लेके जाए। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि डैन और नेम ने अपने सूझबूझ का सहारा लिया और उन्होंने डेविल और एम को हरा दिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।